राष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन के बाद संभाजीनगर में आज बंद बुलाया गया है। बड़ी खबर, मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन जारी। धरना प्रदर्शन के बाद संभाजीनगर में आज बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर के प्रदर्शन लगातार कई दिनों से जारी है और इस बीच आज बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और साथ में कई अन्य अधिकारी भी मौजूद होंगे। साथ ही जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये संभाजीनगर की तस्वीरें हैं जहां पर बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन इस बीच संपूर्ण महाराष्ट्र में प्रदर्शन का दौर भी बदस्तूर जारी है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। शुभम पांडे महाराष्ट्र से संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र की हम लगातार बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस समय मराठा आरक्षण को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद की जा रही है। मुख्यमंत्री की बात करें तो एक बैठक बुलाई है उन्होंने, डिप्टी सीएम भी उस बैठक में मौजूद होंगे। जिस तरीके की जानकारी आपने सुबह हमारे साथ में साझा करी थी, इस समय संभाजीनगर का क्या हाल है शुभम? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, 12 बजे ये बैठक जो है शुरू होनी थी, बैठक शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कुछ मीटिंग अटेंड करेंगे। देखिए 31 अगस्त और 1 सितंबर के दिन, ये दो दिन थे जब मराठा आरक्षण को लेकर कई सारे लोग सड़कों पर उतरे महाराष्ट्र के जालना जिले में खासतौर पर। उसके बाद पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, उसके बाद ये सारे लोग जो है एसटी बस को आके हवाले कर देते हैं, जिसके बाद मामला बढ़ जाता है। मामला जब फूट पकड़ता है तो विपक्ष लगातार सवाल खड़े करने लगता है। ऐसे में अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा समाज के जो तमाम बड़े नेता है, जो कमेटी की बैठक है वो बुलाई है ताकि इस मसले को हल किया जाए और जो पिछले कुछ दिनों से मांग चल रही है मराठा आरक्षण को लेकर, उस पर आगे का रास्ता कैसे निकाला जाए और प्रदर्शन को कैसे रोका जाए। क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो अगला कदम मुंबई और मंत्रालय के आसपास प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है और पूरे महाराष्ट्र से लोगों को लेके आएंगे, जो कि लगातार पहली बार नहीं है, पिछले कई सालों से मराठा आरक्षण को लेकर। किन लोगों के नेतृत्व में ये आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, और क्या आपकी उन लोगों से बातचीत हो पाई है? मांगे क्या हैं? देखिए पूजा जी, जिन मराठा आरक्षण के जो नेता हैं उनसे मेरी बातचीत, उनका साफ तौर पे कहना है कि मराठा रिजर्वेशन जल्दी से जल्द लागू हो, सरकार लगातार आश्वासन देती है। 5% रिजर्वेशन की बात पिछले कई सालों से सरकार कर रही है लेकिन उसे अमल नहीं कर पाती, यही वजह है लगातार हर साल हर कुछ महीनों में ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने लगते हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार आ चुकी है, नई सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि हम मराठा आरक्षण को जरूर लागू करेंगे। पिछले कुछ सालों में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी किस तरह से लागू नहीं पाए, लेकिन अब जब चुकी सरकार आ चुकी है सब कुछ। चलिए बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।